नमस्कार, मैं हूँ काजल मेहता। इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। नए साल की शुरुआत चतरा की कुछ खासियत के साथ करते हैं। बता दें, सैलानियों को लुभा रहा रहस्यों का समेटा चतरा के कोलांचल का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चुंदरू धाम विहंगम दृश्य फिल्मों की शूटिंग के लिए भी माना जाता है माकूल। नए साल के आगमन में अब चंद दिन ही शेष रह गए हैं। ऐसे में नए वर्ष के आगमन की खुशी में लोग अब धीरे धीरे पिकनिक स्पॉट्स में पहुंच रहे हैं। हजारीबाग और चतरा जिले को अलग करने वाला प्रसिद्ध चुंदरू बाबा धाम सैलानियों को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। चतरा जिले के टंडवा प्रखंड में स्थित चुंदरू धाम को दो नदियों का संगम स्थली भी है। इस धाम में नक्काशीदार बड़ी बड़ी चट्टानों में कई रहस्य आज भी छिपे हैं। कुदरत पर विश्वास करें तो चट्टानों के बीच एक गुफानुमा गड्ढा ऐसा भी है जहां की गहराइयों का आकलन आज तक कोई नहीं कर पाया है। बुजुर्गों की माने तो 7 खटिया की डोर भी इसमें कम पड़ गई थी। पत्थरों में हाथी और बाघों के पैर के निशान लोगों को लुभाते हैं। चुंदरू की विशालकाय गुफानुमा चट्टानी रहस्यों से भरी पड़ी है। बता दें, औद्योगिक नगरी बनने के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक इसे देखने के लिए आते हैं। धार्मिक स्थल के अलावा नक्शादीदार गुफानुमा पत्थर लोगों को रोमांचित करते हैं। चुंदरू और टंडवा नदी के संगम स्थल पर जो लोग आते हैं, तस्वीर लेना नहीं भूलते, एक याद बनाना नहीं भूलते। यहाँ के विहंगम दृश्य फिल्मों की शूटिंग के लिए भी उपयुक्त माने जाते हैं। साथ ही धार्मिक, भौगोलिक और पुरातात्विक दृष्टिकोण से भी यह स्थल काफी महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इन्हीं पत्थरों पर भगवान श्री राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ था, जिसके साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। इसके अलावा शिव कुंड व जलकुंड भी मौजूद है। ऐसे में नए वर्ष के स्वागत में पहुंचने वाले विभिन्न राज्यों के सैलानी यहां गेरुआ नदियों के संगम स्थल पर स्नान कर सूर्य देवता की आराधना के साथ नए वर्ष की शुरुआत करते हैं। सैलानियों की बढ़ती संख्या से उत्साहित स्थानीय ग्रामीण व मंदिर के पुजारी अब इलाके के विकास की मांग कर रहे हैं। हालांकि चतरा जिले के फिजाओं में प्राकृतिक के पिकनिक स्पॉट के रूप में एक से बढ़कर एक आकर्षक व खूबसूरत स्थलों की बरसात की है, जहां दूर दूर से सैलानी एक बार आते हैं तो वह बार बार आना चाहते हैं। चुंदरू धाम आए हैं घूमने के लिए। यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है। यहाँ पहाड़ों के बीच से कट कर नदी निकली है, छोटे छोटे कुएं बने हुए हैं, फांसी के फंदे हैं, बहुत अच्छे अच्छे जगह है देखने के लिए। अगर इसको यहाँ पे और बहुत कोई आते हैं 1 जनवरी में, यहाँ बहुत भीड़ होती है, हम लोग हर साल में यहाँ पे मनाने आते हैं। और अगर इसको अगर इसको और डेवलप किया जाए तो यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ का नज़ारा तो अच्छा ही है और इसी कारण हम लोग हमेशा यहाँ पे आते हैं पिकनिक मनाने के लिए। नेक्स्ट ईयर भी आएंगे। और नज़ारा के साथ साथ बहुत अच्छा घूमने का भी जगह है और बहुत सारे लोग भी आते हैं यहाँ पे। और 1 जनवरी को ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होती है, तो एक मतलब पत्थरों से कटा हुआ भी है और प्लस में यहाँ पे गड्ढे वड्ढे बहुत ज़्यादा है। देखने का प्लेस बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आप लोग आ सकते हैं घूमने के लिए यहाँ पे। टंडवा चुंदरू धाम है, यहाँ पे पत्थरों से काट काट के गढ़ा डिपा बना हुआ है और हाथी का ही निशान भी है, बहुत सारे बाघ का भी निशान है। जो पूर्वज के समय में बाघ आता था यहाँ पे, वहाँ पे बाघ है। छोटा छोटा कुआं बना हुआ है पत्थर काट काट के, और बीच में बहुत सारे पानी जमा हुआ है और ये डायरेक्ट गहरी नदी में मिलती है चुंदरू धाम में। हम लोग भी सोचते हैं कि बार बार यहाँ हम लोग घूमने के लिए आएँ, और हम लोग सब परिवार मिल के ही आते हैं हम लोग घूमने के लिए बराबर। चुंदरू धाम जहाँ सूर्य मंदिर का स्थापना हुआ है, वहाँ भगवान श्री राम का जो विवाह हुआ, वहाँ चूल्हा चौकी या जो मैंने खाने का व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है प्रत्यक्ष रूप में जो देखा जा सकता है। यहाँ हाथी का पांज है, शेर का पांज है, बहुत बड़ी मछलियाँ भी निकलती हैं यहाँ, बड़े बड़े तह हैं, कुंड हैं, है? शिवलोक भी बना हुआ है, शिव जी का मंदिर भी बना हुआ है। और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, देखते हैं, यहाँ का फोटो लेते हैं, यहाँ का दृश्य बनाते हैं, ऐसा है। आवाज तरंगे जब बाढ़ आती है चुंदरू धाम में, दोनों नदियों से, चुंदरू धाम, चुंदरू नदी और गेरुआ नदी, और दोनों का जब संगम होता है तो चट्टान में देखने को मिलता है कि 7 से 8-10 फीट तक ऊंचाई तरंग जाती है। यहाँ के सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि इसको पर्यटक स्थल बनाया जाए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसे ही रोमांचक खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए आप इनसाइडर लाइव के साथ। नमस्कार।